नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हम आपको अब बताएंगे आज बिहार की 10 बड़ी खबरें। पटना में जिंदा मछलियों की बिक्री से रोक हटी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने भी दिया था निर्देश। पटना के मछली कारोबारियों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी। चुनाव आयोग की टीम पहुंची पटना, सीईसी सुनील अरोड़ा की अगुवाई में आई है टीम। दो दिनों में बिहार में लेंगे तैयारियों का जायजा, आज अधिकारियों और पार्टियों के साथ की मीटिंग। सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने की मीटिंग, पार्टियों ने आयोग के सामने रखे कई सुझाव। राजद और सीपीआई ने की बैलेट पेपर से चुनाव की मांग, अन्य दलों ने भी सुरक्षा और वीवीपैट पर दिया सुझाव। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भाजपा का ऑफर, सुशील मोदी ने की एनडीए में शामिल होने की अपील। बोले, रघुवंश बाबू जैसे नेताओं की जगह राजद में नहीं, हम आपको देंगे पूरा सम्मान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में लगाई ट्विटर चौपाल, ट्विटर इंडिया के सहयोग से हुआ आयोजन। कार्यक्रम में तेजस्वी ने दिए सवालों के जवाब, केंद्र और राज्य सरकार को भी जमकर घेरा। गया का नाबालिग हत्याकांड मामला, परिजनों को दिया गया नार्को टेस्ट का नोटिस, मां और बहन ने टेस्ट देने से किया इनकार, कोर्ट ने 18 जनवरी को उपस्थित होने को कहा। पटना साहिब पहुंचे मोकामा विधायक अनंत सिंह, गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिया आशीर्वाद। मुंगेर की रैली से पहले पहुंचे थे गुरुद्वारा, मीडिया से बोले, चित हो जाएंगे सभी विरोधी। नालंदा में चोरों की पिटाई के बाद बढ़ा बवाल, पिटाई से अब तक दो चोरों की हुई मौत। बीती रात घर में चोरी करने घुसे थे तीन चोर, लोगों ने पकड़ कर दी थी पिटाई। राजधानी पटना में फिर लूट की बड़ी वारदात, दिन दहाड़े बैंक से लूटे 7.5 लाख रुपए, राजीव नगर इलाके में हुई थी वारदात, हथियार लैस अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना जिला वाटर हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी, 1950 डायल कर लोग ले सकते हैं मदद। नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की भी है सुविधा, जिलाधिकारी कुमार रवि ने जारी किया है यह हेल्पलाइन नंबर। तो आज बिहार की बड़ी खबरें हमने आपको बताई, और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। नमस्कार।